Hello kids, welcome to my EBS class. Today we are going to learn living and non-living things. आपको पता है living और non-living things का मतलब क्या होता है? Let's start. See here. Living things means living things are those which are able to move on their own. They can eat, breathe and they can sense. Living thing का मतलब क्या होता है? Living thing means हम क्या करते हैं, अपने हम हमारे मन से कहाँ भी मूव कर सकते हैं, हमें सेंस होता है. सेंस मीन्स क्या होता है, अगर हम नीचे गिर गए तो हमें चोट लगती है, तो हम रोना चालू करते हैं तो हमें क्या होती है, चोट लगने से हमें दर्द होता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं. हमें क्या रहता है, लिविंग थिंग्स को सेंस रहता है. और हम क्या करते हैं, दे कैन ईट, हम खाना भी खाते हैं, भूख लगी तो हम खाना खाते हैं. दे कैन ब्रीथ, हम क्या करते हैं, एयर को ऐसे इन और आउट करते हैं ना, हम सांस लेते हैं. सांस लेते समय हम क्या करते हैं, हम एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथ बोलते हैं. और दे कैन सेंस, सेंस को हमें कि चोट लगी तो हमें पता चलता है. तो लिविंग थिंग्स मींस लिविंग थिंग्स आर दोस व्हिच आर एबल टू मूव ऑन देयर ओन. दे कैन ईट, ब्रीथ एंड दे कैन सेंस. तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. अगर देखो मेरे हाथ में अभी एक डॉल है, कि इस डॉल को भूख लगती है क्या, नहीं. अगर ये नीचे मेरे हाथ से गिर गई तो उसे चोट लगी तो रोती है क्या, नहीं. अगर उसके बाहर खेलने का मन किया तो डॉल अपने मन से खेल सकती है क्या, नहीं. तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या नहीं होती, जान नहीं होती. लिविंग थिंग्स में क्या होती, जान होती. वो अपने मन से सब कुछ कर सकती हो. लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते. तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है, रॉक, डॉल, पेंसिल, स्कूल बैग एंड शॉर्पनर. सी हियर, जब आप छोटे थे तब आप कैसे थे, बेबी थे. अभी आप बड़े हो गए, आपकी ग्रोथ हो गई, तो लिविंग थिंग्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है. जब ऐसे ही प्लांट में भी होते, प्लांट में भी ग्रोथ होती है, इसलिए प्लांट भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. और ये ग्रोथ होने के लिए हमें क्या जरूरी है, ग्रोथ होने के लिए हमें खाना, फूड, हमें फूड की जरूरत है ना. तो हमें फूड खाए तभी तो हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी. उसके साथ ही ब्रीथ, हम हमेशा क्या करते हैं, हम एयर इन करते हैं और आउट करते हैं, हमें सांस लेते हैं ना, तो ब्रीथ. देन मूव, अगर आपको खेलने का मन कर रहा है तो आप बाहर खेल सकते हो. टीवी देखने का मन करता है तो टीवी देख सकते हो. तो अपने मन से आप कैसे भी मूव कर सकते हो. तो ये सब इसमें आते हैं लिविंग थिंग्स में. वैसे नॉन लिविंग थिंग्स में कर सकते क्या, नहीं. अगर आपकी आपके पास डॉल है, कार है, तो अपने मन से वो खाना खाती है क्या कार आपकी, नहीं. तो उसकी ग्रोथ होती है क्या हर दिन, नहीं. और वो ब्रीथ करती है क्या कार आपकी, नहीं. तो आपके टॉय जैसे कुछ करते हैं क्या आपके जैसे, नहीं. तो क्या आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आपके सब टॉयज और आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे वस्तु है जो उसमें नॉन लिविंग थिंग में, जैसे टेबल, चेयर, ये आपके घर के, उसकी ग्रोथ होती है क्या, नहीं. तो आपको अभी क्या करना है, मुझे पता नहीं कि कौन से थिंग्स नॉन लिविंग है और कौन से लिविंग थिंग्स है. दिस इज अ बॉय. बॉय क्या है, बॉय की ग्रोथ होती है, वो खाना भी खाता है और अपने मन से वो भी कर सकता है. तो वो क्या है, लिविंग है. यस, लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स को क्या लिखना है, एल. दिस इज अ रॉक. रॉक मूव कर सकता है क्या, खाना खा सकता है, नहीं. तो उसको क्या लिखना है, नॉन लिविंग थिंग्स का एन. सी हियर, हॉर्स. हॉर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नहीं, लिविंग थिंग. देन बर्ड्स, लिविंग थिंग. स्कूल बैग, स्कूल बैग लिविंग थिंग है क्या, उसकी ग्रो होती है, नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग. डॉग, नॉन लिविंग थिंग. एंट, लिविंग थिंग. ट्रीज, लिविंग थिंग्स. शार्पनर लिविंग थिंग है क्या, नहीं, नॉन लिविंग थिंग. देन पेंसिल,